वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं मलिया पूरी में आप सबके लिए लेकर आई हूँ दही वड़े की रेसिपी। दही वड़े की रेसिपी बनाने के लिए मैंने ली हूँ 250 ग्राम माश की दाल ली हूँ, उसको मैंने 5 घंटे के लिए भिगोए रखा था, और ली हूँ आधा चम्मच नमक, 2 पिंच मैंने ली हूँ सोडा, 3 से 4 हरी मिर्चें, 1 चम्मच जीरा, थोड़े से ली हूँ मैंने कड़ी पत्ता, 1 कप ली हूँ मैंने दही, 1 कप ग्रीन चटनी, 1 कप इमली की मीठी चटनी। तो आइए चलिए सबसे पहले हम माश की दाल को ग्राइंड कर लेते हैं। ये हम माश की दाल को जार में डाल ले रहे हैं और साथ ही साथ हम इसमें कड़ी पत्ता, जीरा, मिर्ची, नमक, सोडा सब डाल देंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। यह हमने एक बार मिक्सचर चला लिया है, अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल रहे हैं और इसे फिर से पीस लेंगे। ये हमने इसे पीस लिए हैं, ये आप देख सकते हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, आपने भी इसी तरह से इसे पीस लेना है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है, अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। अब हम देख लेते हैं 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है और साइड में हमने तेल को गरम के लिए रख रहे हैं। जैसे तेल गरम हो जाएगा वैसे ही हमने हमारे वड़े को फ्राई कर लेना है। ये देखिए अब हमारा तेल बिल्कुल गरम हो चुका है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। ऐसे करके हमने सारे वड़ों को फ्राई कर लेना है। ये साइड में आप देखिए हमने थोड़ा सा पानी लिए हैं, उसमें मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। जैसे हमारे वड़े फ्राई हो जाएंगे वड़े को हमने इसमें डाल देना है। तो एक नज़र हम डालते हैं हमारे वड़े की तरफ, ये फ्राई हो रहे हैं अभी। ये देखिए अब हमारे वड़े तैयार है बिल्कुल, अब हम इसे निकाल लेंगे। वड़े निकालकर हमने इसे डायरेक्ट पानी में डाल देना है। ये देखिए ये हमने डाल दिए पानी में, अब ऐसे करके हमने हमारे सारे वड़े को फ्राई कर लेना है। ये देखिए सारे वड़े हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये वड़े भी हमारे अभी तैयार हो चुके हैं, अब हम इसे भी निकाल कर नमक के पानी में डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं वड़े बिल्कुल तैयार हैं, अब हमने इसे पानी में से निकाल कर इसका पूरा पानी बिल्कुल निकाल लेना है और ऐसे करके हमने सारे वड़े का पानी निकाल लेना है। देखिए इसी तरह से आपने करना है। ये देखिए हमने सारे वड़े को पानी से बिल्कुल अलग कर लिए हैं और साइड में हम दही बना रहे हैं। दही में हम शक्कर ले रहे हैं, शक्कर आप अपनी टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हो, आप कितना मीठा खाना पसंद करते हो। और हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि शक्कर घुल जाए। ये दही को शक्कर हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। तो आइए चलिए अब हम दही वड़ा को बनाते हैं।
ये देखिए पहले हम इसकी लेयर बना रहे हैं। अब हमने ऊपर से दही डाल देंगे। अब हम इसमें ग्रीन चटनी डाल रहे हैं। साथ ही साथ इसमें इमली की मीठी चटनी भी डाल देंगे। बहुत टेस्टी लग रहा है दिखने में। ये हो गया। अब हम इसमें चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं ऊपर से, और ये धनिया डाल रहे हैं। फिर से हम इसके ऊपर एक लेयर बनाएंगे। ये हो गई हमारी दूसरी लेयर भी तैयार। अब हम इसके ऊपर दही डाल देंगे। साथ ही साथ ग्रीन चटनी और इमली की मीठी चटनी डाल देंगे। अब हम इसमें जीरा पाउडर डाल रहे हैं ऊपर से। साथ ही साथ चिली फ्लेक्स और धनिया डाल देंगे। लजीज। अब हम इसमें चाट मसाला डाल रहे हैं। चाट मसाला इसमें जरूर डालना। ये डालने से हमारे टेस्ट में बहुत अच्छा लगेगा। ये हमारा दही वड़ा बिल्कुल तैयार है। अब हम आपको इसे टेस्ट करके बताएंगे। अब हम इसे टेस्ट कर रहे हैं। बहुत यम्मी बना है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकअल्लाह आपका हमारी ये वीडियो पूरा देखने के लिए। तो मैं मिलती हूँ आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह निगेबान।